स्कोडा के कुशक के बाद फॉक्सवैगन तैयार है अपनी नई टाइगोन लॉन्च करने के लिए। वही अपनी मिड साइज एसयूवी रहने वाली है, जो कि फिर फॉक्सवैगन की तरफ से ही हमें देखने को मिलेगी एक और ANV सेडान। फिर हमें एक और सेडान देखने को मिलेगी फॉक्सवैगन वेटोस करके कुछ उसका नाम होगा, जो कि अपनी वेंटो, जो वेंटो आती थी उसकी रिप्लेसमेंट रहेगी सेडान में। ये सब लॉन्च हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में फॉक्सवैगन ग्रुप की तरफ से। लेकिन इसके बाद फॉक्सवैगन एक और कार लॉन्च करने की सोच रहा है, जो कि स्कोडा की तरफ से ही आएगी। कौन से सेगमेंट में वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, और इस सब के बारे में जो इस सब की डिटेल्स होंगी वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से और जो नए नए अपडेट्स जो मार्केट में आते रहते हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। फॉक्सवैगन स्कोडा की तरफ से लॉन्च करने वाली है एक जो बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन वाली मार्केट है या सेगमेंट है ना, उस वाले सेगमेंट में ये अपनी कार लॉन्च करना चाहते हैं, जो कि है सब 4 मीटर SUV वाला सेगमेंट। तो चलिए फटाफट इसी कार के बारे में आज हम जानने वाले हैं, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, और इसके जितने भी डिटेल्स अवेलेबल हैं तब उस सब के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉक्सवैगन का जो ग्रुप है वो इसे स्कोडा के जो ब्रांड है उसमें से लॉन्च करेगा, मतलब स्कोडा की तरफ से आने वाली है, जैसे अभी कुशक आई है, ठीक है। फिर अब मैं इसके कॉम्पिटिशन्स अगर आपको बता दूँ, तो वही अपने जो सब कॉम्पैक्ट SUV में आते हैं 4 मीटर वाले में, सब 4 मीटर वाले में विटारा ब्रीजा सुजुकी तरफ से, टाटा की नेक्सॉन, ह्युंडई की वेन्यू, फिर हमें और भी जितनी कार्स अगर आपको कोई रह गई हो यहाँ पे, वैसे पता है मुझे काफ़ी रह गई, एग्जांपल दे रहा था मैं, बस नीचे कमेंट्स कर देना, लोगों को बता दे। किया की सोनेटा वगैरह भूल गया, बस कमेंट कर दे भाई, फिर क्या होगा। स्कोडा ने अनाउंस किया था कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे 1 बिलियन यूरो से भी ज़्यादा, ठीक है। और उसी के तहत एक रिपोर्ट निकल के आई है कि अब एक ग्रुप जो स्कोडा का ग्रुप है वो ही प्लान कर रहे हैं एक सब कॉम्पैक्ट SUV निकाल, 4 मीटर वाली जो हमारी मैंने एग्जांपल दिया, उन्हीं के बीच एक और अपनी कंपनी के बीच अपना एक कॉम्पिटिटर निकाल देना। स्कोडा ग्रुप ने इस मॉडल पे, इस व्हीकल पे या फिर इस वाले सेगमेंट पे काम करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं। एक तो मैं बताता हूँ ये जितने भी कार्स या फिर लोग हैं ये क्यों इस वाले सेगमेंट में जाते हैं मिड साइज SUV को छोड़ के, क्योंकि ये सब 4 मीटर होता है या फिर 4 मीटर से कम की इसकी लेंथ वगैरह होती है गाड़ी की, तो उसमें टैक्सेस हमें कम देने पड़ते हैं और टैक्सेस गवर्नमेंट कम लगाती है, ठीक है, ताकि ये जो पार्किंग वगैरह का इशू रहता है या फिर ट्रैफिक वगैरह का इशू रहता है कम रहे, ठीक है। तो इस पर टैक्स ज़्यादा लगता है, इसलिए ये मिड साइज़ SUV नहीं ले पाते, मिड साइज़ SUV पर टैक्स ज़्यादा लगता है। सब कॉम्पैक्ट जो 4 मीटर वाली होती हैं, अंडर 4 मीटर वाली होती हैं, उन पे टैक्सेस कम लेते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरर उन्हें ज़्यादा बनाता है और कस्टमर भी उन्हें ज़्यादा लेता है, क्योंकि उसमें टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ता और वो हमें थोड़ी सी चीप पड़ती है। और जो रिपोर्ट्स वगैरह ना वो क्लेम कर रही हैं कि ये जो कंपनी के इंटरनल जो मैनेजमेंट में होता है उसमें जो भी डिस्कशन वगैरह चल रहे हैं वो डिस्कशन फाइनल स्टेज पे इस टाइम पे, ठीक है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम इंटरनली जो उनकी मैनेजमेंट वगैरह है उसमें प्लान 2.5 इसका नाम दिया गया है, उससे वैसे हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इसकी लॉन्चिंग की थोड़ी सी आपको टाइमलाइन बता दूँ, तो 2023 के सेकेंड हाफ में लॉन्च होने की इसकी बात चल रही है, ठीक है। 2023 मतलब अभी 2021, ऑलमोस्ट 2 साल बाद इसकी लॉन्चिंग की जो भी प्रोसीजर वगैरह वो स्टार्ट होगी और उस टाइम पे लॉन्च होगी। इतना ज़्यादा दूर 2 साल की हमें क्यों सोचनी है, लेकिन मेरे जैसे समझदार लोग भी होते हैं जो काफ़ी पहले से ही रिसर्च करने लग जाते हैं कि उन्हें कौन सी और कैसी कार चाहिए और वो ऑप्शंस देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तेरे लिए नहीं है ये। और जैसे स्कोडा की तरफ से कुशक आ रही है और फॉक्सवैगन की तरफ से उसी सेगमेंट में वो टाइगोन वगैरह लॉन्च कर रही हैं, उसी तरीके से फॉक्सवैगन ग्रुप ने ये कहा है कि जैसे स्कोडा की तरफ से ये वाली सब 4 मीटर वाली SUV आएगी, उसी तरीके से फॉक्सवैगन की तरफ से ऐसी इस सेगमेंट में कोई कार नहीं आएगी उस टाइम के अराउंड, ठीक है। तो जैसे भी टाइगोन हमें देखने को मिले तो फॉक्सवैगन की तरफ से हमें ऐसी कोई कार नहीं देखने को मिलेगी। फिर कंपनी का मानना है कि 50,000 यूनिट्स इस प्रोडक्ट की वो सेल कर सकेगी पर NM के हिसाब से, अराउंड फिर 4,166 यूनिट्स हुआ पर मंथ अगर हम ले तो, विच इज़ अ गुड नंबर फॉर दिस ब्रांड एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडिया। रिपोर्ट्स का यही मानना है कि जो 1 बिलियन यूरोज कंपनी या स्कोडा ने कहा, और रिपोर्ट्स का यही मानना है कि जो 1 बिलियन यूरोज कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था 2.0 उसके प्लान के तहत, उसी इसी प्रोजेक्ट के लिए
उस 1 बिलियन यूरोज में से पैसे लिए जा रहे हैं या फिर उसी में से इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। वैसे इस सब को कंज्यूमर को क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अच्छी कार और अच्छी ब्रांड से एक कार चाहिए। वैसे अच्छा है अगर इतने ज़्यादा कॉम्पिटिवनेस मार्केट में बढ़ेगी तो कंज्यूमर्स को ही अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे आजकल ये जो फोर्ड का सीन चल रहा है, ये जाने की बात चल रही है फोर्ड की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जा रही है, मैं कह रहा हूँ जाने की बात चल रही है, माइंड दिस, ठीक है। तो अगर इससे ना फोर्ड इको स्पोर्ट जो इतना अच्छा प्रोडक्ट था उससे कॉम्पिटिवनेस कम होगी मार्केट में और प्राइजेस जो ऑलरेडी है ना प्रोडक्ट्स के वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप। तो अच्छा है अगर ऐसे प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में आते रहें तो कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे एक अच्छी वैल्यू के साथ, प्राइजेस भी हमें थोड़े से कम देखने को मिलेंगे उसके साथ। ये जो नई आने वाली है एक सब कॉम्पैक्ट SUV 4 मीटर वाली, ये पूरी इंडिया में ही बनेगी, मतलब इंडिया के जो प्लांट्स हैं अपने स्कोडा और फोक्सवैगन के उन्हीं में बनेगी, उन्हीं के अंदर बनेगी। लेकिन इसका जो डिज़ाइनिंग वगैरह वो यूरोप से हो जाएगी, लेकिन जो लोकलाइजेशन है और प्रोडक्शन वगैरह 95% ये कोशिश करेंगे पूरी कि इंडिया में ही बने, कार मेड इन इंडिया होगी, अच्छी बात है। और एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि थोड़ी सी चीप हो, स्कोडा कुशक की तरह ना हो जाए। अभी तक तो यही एक्सपेक्टेड है कि जो ये सब कॉम्पैक्ट SUV आने वाली है इसका प्लेटफॉर्म वो ही अपनी स्कोडा कुशक वाला रहेगा, MQB AOIN प्लेटफॉर्म वाला रहेगा जो स्कोडा कुशक में भी था, और इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो हमें वही 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें हमें अपना वही मैनुअल गेयरबॉक्स और ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स दोनों देखने को मिलेंगे। तो बस यही था अभी तक जो इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी हमारे पास। और अभी अगर आपको इसके और भी ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो।